एवरीवन, कैसे हो आप सब? आज मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से रक्षाबंधन मेकअप बताऊंगी। और इस बार रक्षाबंधन 15 अगस्त को पड़ा है, तो थोड़ा सा आज मैंने जो आई शेडो लगाया है वो थोड़ा सा कलरफुल लगाया है। मोस्टली मैं इस तरह सा कलरफुल नहीं लगाती हूँ, और थोड़ा सा आज लगाऊंगी। तो जैसे आप ये मेकअप लुक देख सकते हो, अगर मेकअप लुक अच्छा लगे तो मेक श्योर वीडियो ज़रूर लाइक करेगा। वीडियो आप अभी देख रहे हो तो प्लीज़ अभी लाइक कर दो। तो सबसे पहले मैंने फेस को क्लीन कर लिया था, उसके बाद मैंने वायम आयुर्वेदा का मिस्ट अच्छे से फेस पे स्प्रे कर लिया है, और उसके बाद हल्का सा छोड़ के फिर हल्का सा इस तरह से डैप डैप कर दिया, थपथपा दिया। फिर उसके बाद मैंने कलर बार का प्राइमर लिया है। मेकअप बहुत लाइट सा किया है क्योंकि दिन का फंक्शन होता है रक्षाबंधन, तो आप इतना डार्क मेकअप अच्छा नहीं लगेगा। तो बस थोड़ा सा आई को थोड़ा सा डार्क किया है, बाकी मैंने बीबी क्रीम से किया है। और उसके बाद NYV का ये कलर करेक्टर लिया है गाइस, और बस इसको थोड़ा सा आई के ऊपर लगाया है। अगर आपको नहीं लगाना है तो नहीं लगा सकते हो, आप जो बीबी क्रीम लगाओगे ना तो उसको भी आप इस तरह से आँख के ऊपर इस तरह से लगा दो, जैसे आपका जो शेडो लगाओगे वो अच्छे से कलर खिल के आए। फिर आज मैंने दो आई शेडो पैलेट यूज़ की हैं, इसमें वो सब कलर नहीं थे, तो इसमें से ब्राउन और रूट कॉस्मेटिक के इसमें से ब्राउन और ब्लैक लेके मैंने आईब्रोज को हल्का सा शेप दे दिया है कि ज़्यादा अलग सा भी ना लगे दिन में, और थोड़ा सा अच्छा सा लुक भी आ जाए। फिर उसके बाद जो NYV का हमने कलर करेक्टर लिया था उससे आईब्रोज के ऊपर इस तरह से कर दिया है। और इस मेकअप को आप शाम को भी कर सकते हो, कोई पार्टी फंक्शन में भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि दिन में ही कर सकते हो। फिर एक ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से मैं इस तरह से डैप डैप कर दूँगी, और ये ब्यूटी ब्लेंडर काफ़ी अच्छे हैं गाइज, ये मैंने कानपुर से ही लिए हैं और काफ़ी अच्छे हैं, बड़े सॉफ्ट हैं। इनका मैं बता दूँगी कि किस कंपनी का बेजम मेरे को याद नहीं आ रहा है, इसमें काफ़ी सारे थे, छोटे बड़े काफ़ी थे, तो उसमें से ये बड़े अच्छे मेरे को लगे। इसमें से जो एक कॉर्नर वाले हैं और जो छोटे हैं तो आँख के पास करने में मेकअप काफ़ी अच्छा रहता है। फिर उसके बाद मैंने कलर बार की बीबी क्रीम ली है गाइज, ये काफ़ी अच्छी है, बहुत लाइट है और आपका जो कवरेज का काम है भी अच्छा करती है। अगर आपके डार्क स्पॉट वगैरह हैं और आपको दिन में मेकअप करना है तो ये काफ़ी अच्छी है, मेरे को अच्छी लगी, और लाइट भी है और कवरेज भी पूरा देती है, तो काफ़ी हमको अच्छी लगी। और जो बीबी क्रीम है उसको नेक वगैरह में भी लगाएंगे जितना हिस्सा खुला हुआ है, क्योंकि आज मैंने साड़ी ड्रेप की हुई है, और साड़ी के साथ ही मैंने जो ब्लाउज़ है ना वो कट स्लीव का पहना हुआ है, तो आप इस बात का ध्यान रखें कि जो आपके खुला पोर्शन है उसको भी अच्छे से आप उसमें भी जो भी आप प्रोडक्ट लगा रहे हो उसको वहाँ पर भी लगाओ। फिर मैंने सिवाना का लूज़ पाउडर लिया है और इसको मैं हल्के हल्के से डप डप करके इस तरह से लगा दूँगी, बहुत लाइट से लगा दूँगी, और जो इसके साथ स्पंज है ना बस मैं उसी से की सहायता से मैं लगा दूँगी इस तरह से, है ना। तो आप चाहो तो ब्रश की मदद से लगा सकते हो, आप चाहो तो हाथ से लगा सकते हो। फिर जो रूट कॉस्मेटिक्स की जो आई शेडो पैलेट थी उसमें से जो बेस कलर है बस वही मैंने बहुत लाइट सा लिया है, और उसको पूरी अपने आईलिड पे इस तरह से लगा दिया है मेकअप ब्रश की मदद से। और जो मैंने मेकअप ब्रशेस यूज़ किए हैं ना उनका भी मैंने आपको लिंक दे दिया। और अब मैंने मेकअप रेवोल्यूशन की ये कलरफुल आई शेडो पैलेट, इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे कलर हैं गाइज, इसमें से मैंने ग्रीन कलर लिया है, और उसमें जो है ये वेट एंड वाइट का जो ब्रश है उसकी मदद से कॉर्नर पर मैं थोड़ा सा ग्रीन करूंगी आज, क्योंकि साड़ी भी मेरी ग्रीन पिंक मल्टी कलर में है, और जो मैंने साड़ी पहनी है और साड़ी को आप कर्सिव की जो ब्लाउज़ है उसके साथ किस तरह से कैरी करो प्लेट्स वाला, तो वो साड़ी का वीडियो मैं आलोक जेटली चैनल पर डाल दूंगी, आप देख लीजिए। फिर इसी मेकअप रेवोल्यूशन के आई शेडो पैलेट से मैंने येलो कलर लिया, इसको उंगली से मैं इस तरह से बीच में ही लगा दूंगी, मिडिल बीच में, और उंगली से ही मैं लगा दे रही हूँ। कहा ना आपसे कि 15 अगस्त भी है तो थोड़ा सा कलरफुल किया है और येलो लगा दिया है। फिर उसके बाद इसी से ऑरेंज लिया है और ऑरेंज भी मैंने कॉर्नर पर लगाया है, और ऐसा नहीं है कि बहुत डार्क मेकअप है, बहुत लाइट सा है, आप पूरा देखिएगा और आप अपने कमेंट्स के द्वारा भी ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेकअप लुक कैसा लगा। और जो मैंने मेकअप प्रोडक्ट यूज़ किया है ना उनका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप चेक कर लीजिएगा। 15 अगस्त और रक्षाबंधन का काफ़ी सारा डिस्काउंट चल रहा है गाइज, आप ज़रूर देख लीजिएगा, चेक जरूर करिएगा लिंक, और आप हो सकता है आपके कुछ काम की चीज़ मिल जाए, क्योंकि ये मेकअप रेवोल्यूशन के आई शेडो पैलेट काफ़ी अच्छी कलरफुल है, बहुत बढ़िया है। अब इसी में से मैंने जो रेड ऊपर ऑरेंज लगाया था उसको मैंने एक हल्के से ब्रश से पतले ब्रश से लेके नीचे भी लगा दे रही हूँ, और ये आज मैंने जो काजल लगाया है ये लैक्मे का है और ये सिमर में है ग्रीन कलर का, तो ये भी काफ़ी एक्वा ग्रीन है, बहुत सुंदर है, तो इसको मैं इस तरह से लगा लूँगी ऊपर भी और नीचे भी इस तरह से पूरे में लगा लेंगे।
और जो काजल को स्मच करने के लिए पीछे ब्रश भी होगा। फिर पर्पल का मैंने मस्कारा लिया है, मस्कारा को मैं इस तरह से कोट एक कोट लगा लूँगी। और ये काफ़ी अच्छा मस्कारा है गाइज, और अगर आप इसके डबल कोट लगाते हो ना तो आपको फेक आई लेसेस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी मैंने आपको फेक आई लेसेस लगा कर दिखाया है। और इसको मैं इसी तरह से नीचे भी लगा लूँगी। और ये पर्पल का लाइनर भी मैंने यूज़ किया है जो कि गाइज काफ़ी अच्छा है, लाइनर मस्कारा दोनों काफ़ी अच्छे हैं। और इसको भी मैं बस इसी तरह से लगा लूँगी। और उसके बाद ये दोनों चीज़ें लगाने के बाद आप फॉल्स आई लेसेस भी मैंने लगा ली, या आप लगा सकते हो या आपकी मर्जी, नहीं लगाओ। फिर ये मैंने सिवाना की मैंने लिया है, ये 4-in-1 है और काफ़ी अच्छी पैलेट है। इसमें आपको ब्लशर, कंटूरिंग और आपको हाइलाइटर सब कुछ मिल जाएगा। तो इसी से मैंने कंटूरिंग की है और जो स्पंज था ना मैंने उसी की मदद से कंटूरिंग कर दी है, कोई ब्रश से नहीं किया है। और बस हल्के हल्के से कर दिए चीक्स पे, नोज़ पे, जहाँ जहाँ आपको करनी। कंटूरिंग करने से आपके फेस का लुक ही बिल्कुल चेंज हो जाता है। फिर मैंने दो कलर सेट ले करके इसी आई शेडो पैलेट से सिवाना की ब्लश यूज़ किया है, और क्योंकि एक पिंक है और एक थोड़ा सा ऑरेंजेस है तो दोनों को मिक्स करके लिया। फेसी से मैंने हाइलाइटर ले लिया, हाइलाइटर मैंने फिंगर से इस तरह से पहले लगा लिया है अपने चीक्स को चमकाने के लिए, नोज़ को चमकाने के लिए, फोरहेड को चमकाने के लिए, लिप्स के ऊपर। आपको जहाँ जहाँ भी आपको लगता है कि आपके फेस पे ग्लो लगे तो आप वहाँ वहाँ पर हाइलाइटर ज़रूर लगाइए। हाइलाइटर का काम बहुत अच्छा लगता है मेकअप में, तो जब आप यूज़ करने लगेंगे आपको खुद लगेगा। और फिर उसको ब्रश की मदद से मैं इसको एक सा कर दूँगी। और यह हाइलाइटर काफ़ी अच्छा है सिवाना का, इसमें आपको सब कुछ अच्छे से चारों चीज़ें मिल जाएंगी। फिर मैं अपने आईब्रोज़ के पास नीचे भी लगाऊंगी। और फिर मैंने लिप कलर लिए, ये मैंने जो है मिस रोज़ का लिया है, बहुत अच्छा है। इसमें 2-in-1 है, आपको एक तरफ शेप देने के लिए ये भी मिल जाएगा और एक तरफ लिप कलर लगाने के लिए, तो आप शेप देख के भी लगा सकते हो और ऐसे भी लगा सकते हो। तो ये मेरा लुक हो गया। फिर मैंने फेसेस कनाडा का जो है स्प्रे डाल लिया था, मेकअप फिक्सर, और ये मेरी ज्वेलरी, और ये मेरा पूरा फुल मेकअप। अगर वीडियो अच्छा लगे मेक श्योर लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। और आप सबको 15 अगस्त और रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वीडियो अच्छा लगे मेक श्योर लाइक शेयर कमेंट्स जरूर करिएगा। और सारे जो जितने भी प्रोडक्ट मैंने यूज़ किए हैं उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है और अपने कमेंट बॉक्स में पिन कर दूँगी, आप जरूर चेक कर लीजिएगा। तो ये था मेरा फाइनल लुक। और इस बार मैं सैटरडे मंडे ज़रूर आऊँगी लाइव, इस बार नहीं आ पाई थी, मैं ऑनलाइन ब्यूटी पार्लर कोर्स कराती हूँ तो आप वो देखना बिल्कुल भी ना भूलें। और आप मुझको फेसबुक पे, मेरा पेज है सीमा जेटली के नाम से, उसमें आप फॉलो कर सकते हो। और आप मेरे को इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो, सीमा जेटली। थैंक यू, बाय, आई लव यू, टेक केयर।